राफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पर टाइगर देख सकते हैं अंदर जाके, और यहाँ पर जीप सफारी कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी यहाँ पर। आते आते मैं फ़िलहाल पहुँचा हूँ जो तेजपुर जाने के लिए जो बाईपास है वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर। 105 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ होजाइ से, और मैं फ़िलहाल होजाइ से जा रहा हूँ तेजपुर, और तेजपुर से जाएंगे हम खारुपेटिया होके उधर बोगामाटी होके, उसके बाद मानस। टोल गेट अभी बना रहे हैं, कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ से तेजपुर तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी है। और अभी मिलेंगे हम लोगों को ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र का ऊपर है, अभी ब्रिज मिल गए हैं। ओह माय गॉड, जो राइट साइड पर है वो उधर से आने के लिए, और लेफ्ट साइड का जो नया ब्रिज है उधर तेजपुर जाने के लिए, अभी अलग अलग रास्ता बन गए हैं, काफी अच्छा हो गए। जब मैं बचपन पे आए थे, मैं क्लास 5 पर पढ़ने के टाइम पर मैं तेजपुर आए थे, तो ये ब्रिज नहीं था, तो मैंने सुना है कि वो जो फेरी के जरिए इसको पार किया गया था। तो हम लोग एसटीसी रेन लेके आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है, जस्ट याद है कि मैंने बहुत ज़्यादा वोमिटिंग किया था, और कैसे पार हुआ मुझे मालूम नहीं है, वोमिटिंग कर करके, लेकिन उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सुना था कि फेरी से पार हुआ है बोल के। तो बहुत साल पहले मैं तेजपुर आ चुका था, बाद में अभी बहुत बार आ चुका हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड है यहाँ पर, तेजपुर पर रहते हैं, उसके घर यहाँ पर ही है, तो इसीलिए बहुत आना हुआ तेजपुर पर। और देखिए अभी पूरा पानी है यहाँ पर भरा हुआ है। तेजपुर टाउन क्रॉस होके आगे है हम, और फिलहाल मैं पहुँचा हूँ तेजपुर मेडिकल कॉलेज। और बीपुरिया ये सब जगह मैंने न्यूज़ पर देखा था, तो अच्छा है उसको भी, वहाँ का जो दामघर स्कूल कुछ देख के आए थे, तो रास्ता काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं जीपीएस चेक कर करके मैं जा रहा हूँ, तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है अभी भी। मेरा जो दोस्त है उसको पिकअप करके मैं वहाँ से फिर जाऊँगा मानस, तो काफ़ी रात हो जाएंगे आज पहुँचते पहुँचते। फिलहाल मैं उदालगुड़ी पार होके आ चुका हूँ, और क्या पानेरी एक जगह है उसको भी पार होके आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ नौलबारी की ओर। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है मेरा दोस्त कहाँ पर है, कौन से, जस्ट वो लोकेशन भेजा है, मैं वो लोकेशन ट्रैक करके मैं अभी आगे जा रहा हूँ। इस रोड पे मैंने फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये उदालगुड़ी मैंने वहाँ पर थोड़ा रेस्ट लेके चाय पिया, मोमो भी खाए थे, तो एक ब्रदर से आई मेट हिम इन द आईआई, मैं उसको आईआई पर मिला था कुछ साल पहले, तो मैंने उसको कॉल किया तो वो तुरंत मुझे मिलने के लिए आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया मैं उनको क्योंकि मुझे जल्दी इधर आना है। आते आते हम पहुंच गए हैं खगराबारी, राइट? नहीं ये पोटला है, पोटला। तो खगराबारी में पहुंच के मैं मेरा दोस्त ध्रुवो को मैं रिसीव किया वहाँ से, तो यहाँ पर आईआई का जो मास्टर ट्रेनर है, तो आईआई का यहाँ पर एक सेंटर है, तो वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। रात का एक बज चुका है और हम लोग पहुँच गए हैं बांसबारी मानस नेशनल पार्क के जो कैंप है वहाँ पर। तकरीबन 12 घंटे हम ड्राइव करके आए, हम दोपहर के 1:34 को घर से होजाइ से रवाना हुए थे, तो यहाँ पर अभी रात का एक बज गए, तो इतना देर हम ड्राइव कर करके अभी थक गए हैं, तो आके यहाँ पर खाना खा लिया, काफी थक भी गए हैं, तो अभी रेस्ट लेंगे। उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक जगह है, क्या विलेज है? भूल गया बातों में खगराबारी पे आईआई की एक सेंटर है, तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। अभी तो संडे है कल, तो इसलिए उसको हम लेके आए, मानस में थोड़ा अभी तो सीजन नहीं है, मानस देख तो नहीं पाऊंगा, जस्ट हम लोग ये ऑफिस पर थोड़ा काम से आए थे, खाना खा लिया है रात का 1 बजे पे। क्या क्या खाए आप? मेरे को तो 3 खाली वो मेथी दिया है, चिकन डाक और एक ब्रॉयलर भी था साथ में, लोकल मुर्गी और ब्रॉयलर और ये डाक। सुबह पर हम लोग यहाँ का जो आसपास ही दिखा पाऊंगा क्योंकि अंदर जाना तो मना है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। जब अक्टूबर नवंबर को खोलेंगे तभी दिखा पाएंगे यहाँ का जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। तो आज तो काफी थक गए हैं, कल सुबह मिलते हैं फिर से, अभी सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम मानस। सुबह हो चुका है और उठ के हम नहा लिया है। कल रात 1 बजे को ही पहुंचा हूँ यहाँ पर, तो काफी थक गए थे। बच्चे नहा के जल्दी सुबह पर उठ गए हैं क्योंकि ज्यादा सो नहीं पाया। अभी अभी सुबह का नौ अब अभी सुबह का 9 बज गए हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा वॉक करेंगे, उसके बाद जल्दी जाना है। तो आपको दिखाएंगे यहाँ का जो नज़ारा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मानस। सुबह सुबह पर रहती, अभी पीऊँगा अभी बिस्कुट के साथ। तो अच्छा, वेदर काफ़ी अच्छे है, इतने धूप नहीं है। तो अभी निकल जाएंगे थोड़ा यहाँ पर सराउंडिंग्स देखने के लिए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। अभी मानस के जो गेस्ट हाउस है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग जहाँ पर रहा था कल रात को, तो वहाँ से अभी निकल के जा रहा हूँ कुछ व्यू देखने के लिए। ये जो रहा हम लोग का गेस्ट हाउस, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर रह के काफ़ी अच्छा लगा। एसी नॉन एसी सब कुछ भी है, बहुत साफ सुथरा है। देखिए ये उसका बिल्कुल फ्रंट पर ही है, इतनी खूबसूरत चाय का बागान है। उधर ध्रुव ब्लॉग बना रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को मानस से। तो ये जो बांसबाड़ी रेंज है, मैंने फर्स्ट टाइम में विजिट किया हूँ यहाँ पर। तो अभी तो सीजन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अंदर जाके कुछ देख नहीं पाऊँगा। तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग वॉक करके थोड़ा यहाँ का सराउंडिंग्स देख रहा हूँ और आपको भी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। I'm just running here in the street of Amanas. Just see how beautiful the road is. This side you can see the beautiful tea garden. यहाँ पर फिलहाल अभी भी खूबसूरत ये जो कृष्णसुरा गुलमहर ये फ्लावर है, अभी भी खिला हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये सीजन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत ये खिला हुआ है गुलमहर। हर तरफ हरियाली, यहाँ पर चाय का बागान है। तो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे है। सीजन पर यहाँ पर लोग भर जाते हैं, बट अभी तो ऑफ सीजन है। आज 1 सितंबर 2024 है, तो अभी सीजन शुरू हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से ऑफिस से हम लोग थोड़ा दूर आ रहा हूँ और इस रोड से यहाँ का जो नेशनल पार्क है वहाँ का एंट्री गेट है, और वहाँ से लोगों को वहाँ पर दिखाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर सीजन में गाड़ी गाड़ी भर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्पेशली मानस टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर टाइगर देखने के लिए लोग स्पेशली लोग आते हैं। तो मैंने कभी नहीं आया है इस हेड रेंज पर। तो लास्ट टाइम मैंने भुयापरा रेंज पर आए थे। तो ये रेंज काफ़ी अच्छे है और हरियाली है देखने के लिए काफ़ी अच्छे है, और यहाँ पर लोग आ सकते हैं नेशनल पार्क देखने के लिए, मानस नेशनल पार्क देखने के लिए। और यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे होम स्टे है, लॉजेस है, यहाँ पर रिजोर्ट भी है। तो अभी सुबह का 9 बज गए हैं और थोड़ा वॉक करके हम लोग फिर रिटर्न जाएंगे। देखिए जो चाय का बगान नहीं देखा है, आपको दिखा रहा हूँ। असम में हर तरफ चाय की बगानी होते हैं। जैसी हर तरफ चाय बगान होते हैं असम में। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता हूँ, पर चाय का बगान होना, चाय का बगान में फ़ोटो खींचना, चाय का बगान में घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। हम जब सिलचर जाते हैं तो हमारे
मम्मा लोगों का जो विलेज होता है वहाँ पर बहुत दोलो टी गार्डन ताता का, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे चाय बागान है वहाँ पर भी बहुत घूमा। बहुत बड़ा बड़ा बागान है, बहुत खूबसूरत है। और अपर असम में तो ज़्यादा ही बागान होते हैं। और ये जो पत्ता है इसका जो छोटे छोटे पत्ता है निकलते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते हैं उसको ऐसा इसको निकल के इसको ले जाते हैं और मशीन में डाल के चाय बनाते हैं। देखिए यहाँ का जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो निकल रहे हैं इसलिए इसे दिखाई दे रहे हैं। और भी बारिश होंगे और भी पानी देंगे उसके बाद और भी पत्ता निकलेंगे। ये टी गार्डन है जस्सी। इसको चाय बनाते हैं ना, इसको निकल के ले जाते हैं मशीन में डालते हैं और इसको खुद घर पर भी बना सकते हैं ना। बना सकता है हैंडमेड ग्रीन टी बनाने के लिए ऐसा चाहिए। ओके ओनली एकदम छोटा फर्स्ट वाला लीफ से बनाता है ग्रीन टी। इसको रात को निकालना पड़ता है ना, सुबह सुबह। ओके चलो Yeah, this cow is welcoming us here in the Tiger Reserve Forest. Hey, bahut bhal lagibo de eto. October start hoi jabo ne. Dukan bhi lagi to bondho asna. अक्टूबर को यहाँ पर सीजन शुरू हो जाएंगे यहाँ पर फॉर बुकिंग विजिट एलिफेंट सफारी रिवर राफ्टिंग जीप सफारी एलिफेंट आपकी लुम्बाई। बहुत भाल लागिल। आपनालोगे एतो निजे बनाइछे नेकि ने ए बैग बिलाक बनाइछे माने ओ भाल लागिछे ना कितने खूबसूरत से ये कप बना के रखे है। यू कैन कलेक्ट व्हेनेवर यू कम हियर। ठीक है कुलुम्बाई। और ये मानस का मेन रेंज है और मैं फिलहाल यहाँ पर आया हूँ। अभी सितंबर का फर्स्ट सितंबर है, अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क ऑफ असम। यहाँ पर आप बेसिकली टाइगर देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जब सीजन शुरू हो जाएंगे जैसे कि अक्टूबर तब आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, यहाँ पर टाइगर देख सकते हैं अंदर जाके, यहाँ पर जीप सफारी कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी यहाँ पर। और ये लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पर जब एंट्री लेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है, एक चाय का बागान है। वो चाय के बागान के जरिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आप रहने के लिए बहुत सारे यहाँ पर होम स्टे है, लॉज है, यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे। तो आप यहाँ का जो महल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आके आप रह के यहाँ का आपका बहुत सारे वो टाउन का जो सिटी का जो झंझट है वहाँ से आप दूर आके यहाँ पर मजा ले सकते हैं। और हम आज कुछ काम से आए थे तो अंदर जाना मना है अभी, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे के मॉर्निंग वॉक करके इस जगह पर लोकेशन देखने के लिए आए थे हम। तो काफ़ी अभी भी काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि अभी सुकून है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पेशली टाइगर के लिए जाना जाता है, मानस नेशनल टाइगर फॉरेस्ट रिजर्व बोल के कहा जाता है। और साइड पर ही देखिए कितनी खूबसूरत एक चाय का बागान है।